इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बॉलीवुड स्टार सलमान खान को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। काले हिरण शिकार मामले में सलमान को सर्वोच्च न्यायालय की ओर से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने काला हिरण शिकार मामले को फिर से राजस्थान हाई कोर्ट भेज दिया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने इस मामले में पहले सलमान खान के दोष को स्थगित कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से पूछा है कि इस मामले में सलमान को दोषी करार दिए जाने के फैसले पर रोक के पीछे की वजह भी बताएं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सलमान खान फिलहाल विदेश दौरा नहीं कर पाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर सलमान खान इस फैसले से सहमत नहीं है तो वो फिर से राजस्थान हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो सलमान खान को एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, दरअसल ये पूरा मामला 1998 का है, जब वो अपनी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान राजस्थान में थे और वहां पर उन्होंने दो चिंकारा और एक काला हिरण का शिकार किया था, जिसके बाद 2007 में सलमान को दोषी ठहराया गया। लेकिन बाद में इस मामले में सलमान हालांकि दो बार जोधपुर जेल भी जा चुके हैं और दोनों ही जानवर चूंकि संरक्षित श्रेणी में आते हैं, इसलिए ये दंडनीय अपराध है और इसके तहत उन्हें दोषी ठहराया गया था 2007 में। हमारे संवाददाता अहमद अजीम हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अहमद, जाहिर सी बात है इसे एक झटका कहेंगे, क्योंकि कई ऐसी फिल्में हैं सलमान की जो कि यूके में हो रही है और खास करके विदेश में, यूके वो एक जगह है, ब्रिटेन एक जगह है, जहां पर अगर 4 साल से ज्यादा अगर आप सजा काट चुके हैं या आपको दोषी ठहराया गया है तो आपको इमिग्रेशन रूल्स के तहत वीजा नहीं मिल सकता। जी आप बिल्कुल श्वेता, आपने सही कहा कि अगर ब्रिटेन जो है अभी तक जो मामला सामने आया था उसमें ब्रिटेन का वीजा उनको नहीं मिल रहा था और उसके बाद ही सलमान खान ने राजस्थान हाई कोर्ट में ये अर्जी लगाई थी और कहा था कि उनको तमाम फिल्में जो है पेंडिंग है जो ब्रिटेन में शूट होनी है और उनको तब तक नहीं मिलता जब तक कि उनके कन्विक्शन के ऊपर रोक न लग जाए, और उसके बाद राजस्थान हाई ने उनके कन्विक्शन पे यानी जो दोषी ठहराया था निचली अदालत ने इस मामले में, उस फैसले पर रोक लगा दी थी। और इसी फैसले के खिलाफ राजस्थान हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी लगाई थी उसी आदेश के खिलाफ, और अब सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलटते हुए ये कहा है कि राजस्थान हाई कोर्ट फिर से ये तय करे, ये बताए कि आखिर जो उनका कन्विक्शन स्टे किया था वो क्यों जरूरी था और उसकी क्या अहम वजह थी। तो इस पर जो है फिर से मामला जो है राजस्थान हाईकोर्ट के पास वापस भेज दिया है फैसले को पलटते हुए, साथ ही साथ सलमान खान दोबारा से अप्रोच कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अगर ब्रिटेन का कोई सूट है सलमान खान का तो फिलहाल जो है वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि उनको वीजा अब नहीं मिलेगा वहां का। जी, और साथ ही आगे अब किस तरह से ये पूरा मामला बढ़ेगा अजीम, ये भी जानना चाहेंगे। एक तो जब तक ये पूरी बात क्लियर नहीं हो जाती, साफ नहीं हो जाती हाई कोर्ट में, राजस्थान हाई कोर्ट में, तब तक ब्रिटेन का दौरा तो वो नहीं ही कर पाएंगे। उसके अलावा सजा के तौर पर और क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि दो बार पहले ही जेल जा चुके हैं सलमान, जोधपुर जेल वो जा चुके हैं, सजा काट चुके हैं। देखिए ऐसा होता है जब निचली अदालत कोई फैसला सुनाती है और सजा का उसमें कोई अजीम, आपको हम यहाँ पर बीच में रोकना चाहेंगे। राजस्थान सरकार के जो वकील हैं, सरकारी वकील, वो कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। स्टेट ऑफ राजस्थान ने, हमने एक SLP दायर करी थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया है, और स्टे ऑफ कन्विक्शन जो सलमान खान के आपने उसमें रिलीफ लिया था उन्होंने हाई कोर्ट से, उसको सेट असाइड कर दिया गया है। नहीं, दोषारोपण पे ऐसा कोई कहते हैं खास प्रभाव नहीं है। हमारा सिर्फ सबसे पहले यही काम था कि हम स्टे ऑफ कन्विक्शन विच इज़ अगेंस्ट रूल ऑफ लॉ, उसके अगेंस्ट हमने फाइल करी थी SLP की, बिकॉज कहते हैं एक साधारण आदमी और एक इतना एक हाई स्टेचर का आदमी जो है उसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए, सब में सबको समान अधिकार और समान नजर से देखना चाहिए। तो अहमद अजीम हमारे साथ बने हुए हैं। अजीम, अगर आपने सुनी हो राजस्थान सरकार के जो वकील हैं उनकी तरफ से जो बातें सामने आई, उसमें सीधी सी बात ये कही गई है कि एक बार जब कन्विक्टेड, एक बार जब दोषी करार दिए गए किसी मामले में, उसके बाद उस पर स्टे लगा देना ये गलत था लॉ के हिसाब से, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में इस पे आगे इस मामले को आगे बढ़ाया गया। तो ऐसे में अब क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि अब वापस से सुप्रीम कोर्ट से ये राजस्थान हाई कोर्ट ये मामला आ चुका है। देखिए पहली चीज श्वेता की जो उनका सजा पर जो रोक लगी है वो तो लगी रही, क्योंकि अपील में राजस्थान हाई कोर्ट में अपील चल रही है सलमान की, लेकिन कन्विक्शन स्टे यानी जो उनको दोषी ठहराया गया था इस फैसले के ऊपर अब दोबारा से राजस्थान हाईकोर्ट को तय करना होगा कि जो उनका फैसला था वो सही क्यों सही था
और किस तरीके से वो असमान फैसला नहीं था। यानी अगर कोई आम आदमी अप्रोच करता है हाई कोर्ट में तो क्या उसके साथ भी जो है उसको उसका भी जो कन्विक्शन है वो इससे ऐसे किया जा सकता है। अब तक सिर्फ एक मामला ऐसा हुआ है पहले श्वेता नवजोत सिंह सिद्धू का जिसमें कि कन्विक्शन को स्टे किया गया है। इसके अलावा और मामला अभी कम से कम नॉलेज में नहीं है जुडिशरी में जिसमें कि कन्विक्शन को स्टे किया गया। ये दूसरा मामला था सलमान खान का और दोनों ही मामलों में आप देखिए कि जो व्यक्ति हैं दोनों जो अक्यूज हैं जो कन्विक्स हैं वो हाई प्रोफाइल हैं। तो यही क्वेश्चन यहाँ पर उठाया गया था राजस्थान सरकार की तरफ से कि आखिर कानून जो है वो सबके लिए बराबर है तो ये स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया था सलमान खान को, ये क्यों दिया गया था और ये नहीं दिया जाना चाहिए था। और सरकार जो है कोर्ट ने उनकी जो एसएलपी थी यानी स्पेशल लीव पिटीशन उसको एक्सेप्ट कर लिया है यानी उसको मान लिया है और राजस्थान है के फैसले को पलट दिया है। तो अब दोबारा से राजस्थान कोर्ट को बताना होगा कि आखिर उसका जो फैसला था वो किस तरीके से जो है सही था। जी बिल्कुल। और आइए अब अपने दर्शकों को जरा हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि दरअसल ये पूरा मामला क्या था। 1998 में शूटिंग के दौरान सलमान पर हिरण के शिकार का आरोप लगा था। राजस्थान गए थे एक फिल्म की शूटिंग के दौरान। 17 फरवरी 2006 सलमान को एक साल की सजा हुई जिसके बाद 12 नवंबर 2013 सलमान की सजा पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक और राजस्थान सरकार ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उसके बाद अपील की थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला पलटा, वापस अब राजस्थान हाईकोर्ट के पास ये पूरा मामला आ गया है और राजस्थान हाईकोर्ट को अब दरअसल जवाब देना होगा कि आखिर किस बिना पर स्टे लगाया गया था सलमान खान के कन्विक्शन पर, क्योंकि दोषी ठहराए गए थे सलमान खान, उसके बाद उनके कन्विक्शन पर आखिर जो स्टे लगाया था राजस्थान हाईकोर्ट ने उसके पीछे की दलील क्या थी। क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा मामला दिखता है, जैसे कि हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं कि ये दूसरा मामला है और हाई प्रोफाइल मामला होने की वजह से उनको स्टे मिला था। दरअसल कई सारी ऐसी सलमान की फिल्में हैं जो कि विदेश में हो रही हैं शूट और उसमें कहीं ना कहीं रियायत चाहते थे सलमान, इसके तहत इन्हें छूट मिली थी। अहमद अजीम हमारे साथ बने हुए हैं। जाहिर सी बात है अजीम, अगर ये मामला जिस तरह से सामने आया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि जो लॉ है जो कानून है वो सबके लिए बराबर है, चाहे कोई हाई प्रोफाइल मामला हो या फिर कोई आम आदमी से जुड़ा मामला हो, तो वाकई ये बात अपने आप में अब हाईकोर्ट के लिए, राजस्थान हाईकोर्ट के लिए जवाब देने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर होगी क्योंकि इसमें फेवर का मामला सीधे सीधे सामने आ रहा है। बिल्कुल, जो आरोप राजस्थान सरकार ने लगाए थे कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने इस आदेश में तो इसी को माना है और साथ ही साथ मामले को वापस भेजा है राजस्थान हाईकोर्ट के पास। उनको और डिटेल तरीके से बताना होगा कि आखिर किस तरीके से जो स्पेशल ट्रीटमेंट है वो नहीं दिया गया सलमान खान को और जो ऑर्डर था उसका जस्टिफाइड था, उसमें जो है किसी भी तरीके से जो असमानता है वो नहीं है। यानी कि एक आम आरोपी, आम दोषी और एक हाई प्रोफाइल जो दोषी है उन दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं क्रिएट किया गया अपने उस फैसले से। ये सारी चीजें आखिर क्यों जो है जो रोक लगाई गई थी कन्विक्शन के ऊपर वो जरूरी था क्योंकि सलमान खान ने अपना जो जवाब दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था उसमें कि किसी भी तरीके से उनको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, उसमें उन्होंने जो है तमाम अपनी बातें के अपनी मजबूत बताई थी और ये कहा था कि उनको जो है शूट के लिए बाहर जाना जरूरी है और तमाम लोगों का जो करोड़ रुपया उनकी फिल्मों के ऊपर लगा हुआ है जो प्रोड्यूसर थे उनका और उनको काफी नुकसान हो सकता है। तो बहरहाल इन सबको मद्देनजर ही फैसला दिया गया था और अब राजस्थान हाईकोर्ट को फिर से ये बताना होगा कि आखिर उसका फैसला किस तरीके से सही था। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अजीम आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है सलमान खान के लिए एक बड़ा झटका क्योंकि कई सारी फिल्में अभी भी अटकी हुई हैं सलमान की।